हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं मसाला देखो तैयार कर रही हूँ। इसमें सारा साबुत मसाला है, धनिया है, जीरा है, तेज़पत्ता है, सौंफ है, काली मिर्ची है, इलायची है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सबको भून के देखो पीस लिया है। और ये सारा एकदम मेरा एक से डेढ़ महीना जाएगा ये मसाला। तो मैं इसको ठंडा करूँगी और इसको पूरा मिक्स करूँगी, क्योंकि मैंने इसको दो बार में पीसा। तो अभी देखो इसी मिक्सी में मैं डाल दूँगी चने की दाल। और चने की दाल की ये रेसिपी जो लोग नहीं खाए हो तो प्लीज़ आप सभी को रिक्वेस्ट है, खा के देखना। इस तरह से बना के बहुत अच्छा लगेगा खाने में, क्योंकि चने की दाल तो हम लोग खाते ही है। तो एक बार इस तरह से सब्जी डालो, बनाओ। तो देखो इसमें अदरक डाल दिया, अदरक डाल के इसको मैं अभी मिक्सी में लेगा। तो देखो मिक्सी में करके अब मैं इसमें देखो कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के डाल दिया है, हल्दी, नमक और इसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग डाल के तड़का लगा दिया। अब लगाने के बाद अब मैंने इसमें अच्छी तरह देखो अच्छी तरह उसको मिला रही हूँ। और ये मतलब एक तरफ अगर चाहती तो बनाती जैसे रोटी जैसा, उस तरह से नहीं बनाया, अब इस तरह से बना लूँगी। तो ये देखो इसको जितना अच्छी तरह से मिलाऊँगी आराम आराम से, ये उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जीरा है, हींग है और थोड़ा सा अजवाइन है। तो इसमें आप तेल डाल दिया थाली में, तो अब मैं इसको गरम गरम निकालूँगी और निकाल के इसको इसके बाद इसको एक साथ करूँगी। तो चलो पहले सबको एक साथ करती हूँ, करके उसके बाद ही मैं दिखाऊंगी कि इसको मैं किस तरह से करूँगी। और मैं इस कढ़ाई को अभी धोना भी है, धो के उसके बाद में तो मैं आप इसको अच्छी तरह हाथ से गरम ही गरम इसको हाथ से थोड़ा सा इसको एक साथ करूँगी। एक साथ करके देखो चाकू से अब मैं इसको पीस पीस कर लूँगी। और पीस पीस करने के बाद अब मैं इसको पहले पीस पीस कर लूँ, और जैसे ना बर्फी की तरह आप पीस पीस कर सकते हो। और ये थोड़ा सा टाइट हो गया, थोड़ा सा और नरम होना चाहिए था, तभी ये देखो थोड़ा सा खुली खुली सी लग रहा है, नहीं तो बाकी इसमें कोई नहीं है। तो अब मैं कढ़ाई को पहले धो लेती हूँ, उसके बाद इसको फ्राई करूँगी। तो ये इस तरह से अगर फ्राई करो, फ्राई करके देखो धो के गरम कर लिया तेल, और तेल गरम करके उसके बाद मैंने सारे जो पीस पीस करके रखे दाल की ये डाल दूँगी और थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद उसके बाद मैं अच्छी तरह जब ये फ्राई होगा उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये सब्जी को हमारे कलकत्ता में बहुत खाते हैं, बहुत जैसे नॉन वेज नहीं खा रहे तो क्या बनाएं, तो इस तरह से चने की दाल की बना लेते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से काटा, आप जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप काट सकते हो, बर्फ़ी जैसे काटना है काट सकते हो, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है काट सकते हो। तो काट के आप भी बना सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा देख के उसके बाद अपने घर पे बना के खा के उसके बाद मुझे कमेंट करना, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा कि कैसे हुआ है सब्जी, बताना। मैं तो बता रही हूँ कि अच्छा ही हुआ, पर आप जब बना के खाओगे जब ही आप मुझे पता चलेगा कि इतना अच्छा हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो आप लोग घर पे बनाना और खाना। तो चलो मैं तो आराम आराम से इसको बहुत आराम आराम से फ्राई करना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल तेज तेज करके। और मैंने बहुत कम तेल में फ्राई कर रही हूँ इसीलिए और थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। और ये वैसे भी ये थोड़ा सा ना क्रंची जैसे हो गया था, इतना क्रंची नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सारा मसाला, जैसे नमक, अदरक, टमाटर, जो भी मसाला डालना है टोटल। तो इसमें डाल दिया मैंने देखो हींग डाल दे रही, हींग डाल के क्योंकि उसमें तो डाला ही था, इसमें आप थोड़ा सा डाल लियो जीरा, हींग डाल दिया। अब डाल दूंगी मैं आलू, और आलू डाल के उसको अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स करूंगी। तो पहले तो आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लिया,
और थोड़ा सा करके उसके बाद ही देखो सारे मसाला को एकदम अच्छी तरह इसको जितना हो सकते उतना इसको फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद डालूँगी इसमें पानी। तो पहले एकदम अच्छा से बढ़िया से फ्राई कर लूँ, और जैसे फ्राई होगा तेल निकल के आएंगे। तो देखो फ्राई तो लगभग है ही, और देखो तेल भी निकल रहा है। तो जब तेल आ जाता है ना सब्जी के बाहर, तब समझो कि सब्जी का मसाला बन के एकदम रेडी है। तो बस इस तरह से बना लेना आपने अपने घर पे चने दाल की सब्जी आलू डाल के। तो मैंने तो देखो बना लिया है, और ये देखो मसाला और आलू एकदम एक साथ, किस बिल्कुल भी पानी इसमें है नहीं, पर पानी मुझे डालना पड़ेगा। पर ये जो मसाला का पानी और आलू का थोड़ा सा, इसको मैं पहले सूखा, देखो एकदम तेल भी निकल रहा है, और ऐसे नहीं बहुत, पर ये मसाला फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और पानी डाल के फिर अच्छी तरह मुझे इस मसाला को चलाना है। और इसको चलाना है तो चला के, क्योंकि अगर अच्छी तरह नहीं चलाएंगे ना तो इसकी मसाला जो गाढ़ा गाढ़ा सा है ये इसके साथ एक साथ होगा नहीं। तो आप देखो एक साथ हो गया है पानी में, क्योंकि रोज़ इसको थोड़ा सा हिला के इसको डाल लूँगी। तो ये सब्जी देखो बन के रेडी है, और सब्जी एकदम मसाला के एकदम पक गए। अब मैंने इसमें डाल दिया है चने दाल की बर्फ़ी, और डाल के उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा चलाने दूंगी, थोड़ा हल्के हल्के हाथों से इसको हिलाऊंगी। और हिलाने के बाद इसमें वैसे टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है, दाल से लेकर पक के फ्राई होके सब कुछ एकदम फुल फाइनल हो गए। तो इसमें ज़्यादा देर पकने नहीं, क्योंकि ये गल सकता है। तो ये इसीलिए मैंने इसको अभी उतार दूँगी। आप लोग भी 2 से 5 मिनट ही बॉयल होने देना, उसकी ज़्यादा नहीं। तो फिर मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना। अगर सब्जी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा हुआ है, और आप लोग बना के भी खाना, मुझे अच्छा लगेगा। चलो फिर मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ।